गाइस वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। मतलब कि जितनी भी हमें इंक्वायरीज आती हैं उसमें से 25% इंक्वायरीज ट्रेडिंग पीसी बिल्ड की होती है। मतलब कि जिन लोग का बजट 40,000 से 50,000 रुपए तक का है और उनको मल्टी स्क्रीन ट्रेडिंग पीसी बनाना है, तो आपके लिए गाइस ये वीडियो परफेक्ट होने वाली है। गाइस आगे बढ़ेंगे उससे पहले वीडियो का एक छोटा सा लाइक एम रहता है, छोटा सा लाइक एम है गाइस, अभी लाइक कर दो ना वीडियो को। मतलब इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, ताकि आपको बाद में याद रहे ना रहे कुछ नहीं पता। और आपका ये जो सपोर्ट करने का तरीका है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ही है। थैंक यू सो मच फॉर। हम हर एक कंपोनेंट बताएंगे, वैसे तो आपको दिख भी रहे होंगे बट बताएंगे भी कि ट्रेडिंग के लिए उनको यूज किया जा सकता है। जी हाँ, 100% किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ना आपको हायर ग्राफिकल परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए होती, एक मीडियोकर सा प्रोसेसर एंड अच्छा रैम चाहिए होती है, जिससे कि आपको मल्टी स्क्रीन प्रोसेसिंग और जब आप मल्टीपल टैब्स खोलते हो तो वो हो पाए। एंड ट्रेडिंग में क्या होता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग वेबसाइट्स एट द सेम टाइम खोलनी पड़ती हैं, उनके चार्ट्स देखने पड़ते हैं, अलग अलग स्क्रीन्स में देखना पड़ता है, इनफैक्ट अलग अलग स्क्रीन्स में भी अलग अलग पार्ट्स करने पड़ते हैं ताकि आप वो राइट डिसीजन ले सकें ट्रेडिंग के अंदर। तो गाइज यहां पर जो है हम लोग अराउंड 54,000-55,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर ये कस्टमर जो है हमारे ये महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने हमें ऑर्डर प्लेस किया हमारी वेबसाइट पर और इनकी रिक्वायरमेंट थी ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीसी तो इनको चाहिए, बट हाँ बजट जो है वो अराउंड 50,000 से 55,000 रुपए का है एंड इनको मल्टीपल स्क्रीन्स अराउंड 3 से 4 ऐड करनी थी इस पीसी के साथ। तो फिलहाल तो ये पीसी ले रहे हैं बट कह रहे हैं कि स्क्रीन्स जो हैं विद टाइम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे बिकॉज इट वॉज टाइट ऑन बजट। बात करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के लिए वी आर गोइंग विद द इंटेल कोर i5-12400F प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आने वाला बहुत ज्यादा फेमस प्रोसेसर अभी हो चुका है। इसके बारे में आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप एक 15,000-16,000 रुपए तक का प्रोसेसर ढूंढ रहे हो और यू आर कंफ्यूज बिटवीन द ऑब्वियस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ये आंख बंद करके आप चूज कर सकते हो। अभी 13 जनरेशन लॉन्च हुई है, 13400 का कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक आएगा, तो तब तक के लिए 12400F इज द राइट ऑप्शन। अगर 2022 में भी कोई पीसी बिल्ड करना है तो इसके साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात आती है मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड के लिए वी आर गोइंग विद द गीगाबाइट B660MDS3HAX वाईफाई मदरबोर्ड है, अराउंड 13,000-12,000 रुपए का मदरबोर्ड है एंड इट इज जस्ट वेरी मच डिसेंट। आप मतलब ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस कर सकते हो, 128GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो, 2 या 3 M.2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, NVMe SSD लगा सकते हो एंड पोर्ट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी मोर देन एनफ है, वाईफाई ब्लूटूथ कंपैटिबल है, तो व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर इन अ बोर्ड जो 12,000-13,000 रुपए का आ रहा है। तो गाइस अगर बात कर ले रैम की, तो उसके लिए वी आर गोइंग विद द XPGA Radeon D30 की 2 स्टिक्स जा रहे हैं 8-8GB की, ड्यूल चैनल में रैम लगने वाली है तो परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी। टोटल 16GB रैम है, 3200MHz पर क्लॉक्ड है। बाकी अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो 2 टाइप ऑफ स्टोरेज, मतलब टोटल 2.5GB स्टोरेज लगने वाली है इस पीसी में, जिसमें से 500GB तो NVMe SSD होने वाली है क्रूशल P2 एंड 2TB हार्ड डिस्क लगने वाली है जो कि WD की तरफ से आने वाली उनकी नॉर्मल SATA हार्ड डिस्क जो है। अब इसके बाद बात कर लें पावर सप्लाई की, तो वी आर गोइंग विद द कूलर मास्टर 550W ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई, कुछ ना ही बताऊं तो बेटर है क्योंकि बहुत बहुत लगती है, बहुत 5 साल की वारंटी आती है, कूलर मास्टर प्रीमियम ब्रांड है तो आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। बात करेंगे फाइनल प्रोडक्ट की जो है ग्राफिक कार्ड। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है ना गाइस, ये है एसूस की तरफ से आने वाला उनका GT, गिर जाने दो सब कुछ, GT 730 2GB का ग्राफिक कार्ड है एंड ये जो ग्राफिक कार्ड है ना ये अराउंड 9-10,000 रुपए की रेंज में आता है। अब ऐसा क्या खास है इसमें कि ये एक GT 730 होते हुए भी 9-10,000 की रेंज में आता है और 2GB का है सिर्फ। तो गाइस इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट मिलते हैं, मतलब कि कन्वेंशनल ग्राफिक कार्ड से कुछ अलग है। यूजुअली ग्राफिक कार्ड्स में एक ही HDMI पोर्ट होता है, बाकी DP पोर्ट्स होते हैं, बट इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आपके मल्टी स्क्रीन फंक्शंस के लिए काम आते हैं। जो ट्रेडिंग के लिए आप अगर मल्टी स्क्रीन लगा रहे हो तो ये वाला ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में रेकमेंडेड रहता है कि अगर आपको 1, 2 या मैक्सिमम 4 तक स्क्रीन लगानी है तो ये ग्राफिक कार्ड आप जरूर से लगा सकते हो। अब गाइज फाइनल जो बात आती है हमारी कैबिनेट की, अब यूजुअली हम लोग गाइज जो कैबिनेट्स यूज करते हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स की होती हैं, कूलर मास्टर एंड ये सारे ब्रांड होते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्रांड यूज किया है वो है फिंगर्स। अब ये जो कैबिनेट है गाइज, ये एक मतलब जो मैंने इसके RGBs देखे थे, मैंने पहले मतलब टेस्ट नहीं किया था इस कैबिनेट को अनलेस दिस डे, कि जब मैंने इसके RGB फैंस और आगे की RGB देखी ना तो इसकी क्वालिटी इज वेरी गुड। मतलब नॉर्मल जो RGB लाइट्स आप किसी भी कैबिनेट में देखते हो ये उससे ज्यादा ब्राइटर है एंड 3000 के बजट में आने वाली है, उससे भी नीचे
ये वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स है। अगर आपको कैबिनेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिल्ड क्वालिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 3000 से नीचे की कैबिनेट देखोगे ना, तो वो सभी इसी बिल्ड क्वालिटी की होती हैं। इसलिए आपको कोई बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी की कैबिनेट 3000 में तो मिल ही नहीं सकती। बट यहाँ पर क्या है कि RGB स्ट्रिप इन द फ्रंट, 1 RGB फैन इन द बैक एंड 1 बिलो, और फैंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो वी आर गोइंग विद द Fingers GK47 cabinet, जो कि 3000 के बजट में आती है, and it is actually a very good recommendation from my end. पूरा PC build, guys, around 50 से 55,000 रुपए का है। अगर आप लोग को ये PC build करना है, हमारी website jetlabtechnologies.com पर जाकर directly order place कर सकते हो, नहीं तो हमें ऊपर दिए गए number पर call या WhatsApp कुछ भी कर कोई भी inquiry या फिर order place कर सकते हो। इसके अलावा guys, आप हमारे Instagram पे भी connect कर सकते हो, जिससे आप DM कर अपनी requirement या फिर कोई doubt share कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना भी है, इंक्वायरी भी है, कुछ डाउट भी है, पीसी बिल्ड कर रहे हो और फंस गए हो, कॉल कर लो, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। ऑर्डर देना या नहीं देना वहीं तक का हमारा साथ नहीं है, वी आर देयर टू सपोर्ट यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।